सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल हाउस को और बेल घंटे का दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मेरा नाम संजीव है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल हाउस यूट्यूब चैनल। आज इसमें बात करेंगे जो सिंगल पेज होता है और थ्री पेज होता है और अर्थिंग सही कि नहीं उसका रीडिंग मतलब लिख के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसमें क्या कितना क्या रीडिंग आता है उसको दिखाने वाला हूँ। पहले चेक करेंगे मैं आर के साथ बी चेक करेंगे, आर फेज के साथ बी फेज चेक करेंगे, उसके बाद बी फेज के साथ वाई फेज चेक करेंगे, उसके बाद वाई फेज के साथ आर फेज चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे जो सिंगल पेज का, सिंगल पेज का चेक करेंगे, जो आर के साथ न्यूट्रल चेक करेंगे, बी के साथ न्यूट्रल चेक करेंगे और वाई के साथ न्यूट्रल चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे अर्थिंग। अर्थिंग के साथ आप अर्थिंग के साथ पहले आर फेज चेक करेंगे वो कितना रेटिंग आता है, फिर अर्थिंग के साथ ब्रू फेज चेक करेंगे उसका कितना रेटिंग आता है, फिर अर्थिंग के साथ वाई फेज चेक करेंगे उसका कितना रेटिंग आता है, और अर्थिंग के साथ न्यूट्रल चेक करेंगे उसका कितना रेटिंग आता है। तो आगे तक वीडियो देखते रहिए और जो लोग मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो वीडियो चालू होने से पहले पहले एक बार लाइक दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम लोग चेक करेंगे थ्री फेज। तो थ्री फेज चेक करने के लिए आपको आर वाई बी वाई बी बी आर का रीडिंग मैं इधर लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसका ज़रूरत है, बहुत देखने में बहुत ज़रूरत है। तो ये सिंगल फेज का है, सिंगल फेज का लेना है एन आर न्यूट्रल रेड न्यूट्रल वाई न्यूट्रल बी, ठीक है। ये सिंगल फेज का लेना है लेगा मैं। और अर्थ के लिए आपको चाहिए अर्थ और न्यूट्रल चेक करने के लिए चाहिए आपको। तो आपको पहले अर्थ और न्यूट्रल लेना है, फिर अर्थ और आर लेना है, फिर आई अर्थ और वाई लेना है, अर्थ और बी। तो देखते रहिए और इसको मैं पूरा चेक करके बता रहा हूँ। पहले हम चेक करेंगे आर वाई, ठीक है। तो पहले हम पे आर में आर लगाइए, फिर वाई, ठीक है। तो आपका वोल्टेज आपका आ रहा है 430 वोल्ट आ रहा है, तो आपको इधर भी 430 वोल्ट लिखना है। आपको इधर 430 वोल्ट आ रहा था तो आपको इधर 430 वोल्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है वाई बी, ठीक है। तो मैं वाई बी में लगाता हूँ, इसको निकालिएगा इसको डालिएगा, तो आपका वोल्टेज कितना आ रहा है 400 423, ठीक है। तो आपको इधर लिखना है 423, ठीक है। फिर आता है बी आर। तो बी आर चेक करने के लिए आपको येलो वाला निकालना है और आर में लगाना है। तो यह हो गया बी आर। तो बी आर का वोल्टेज कितना है 426। ये हो गया थ्री फेज चेक, ठीक है। इतना रीडिंग आना चाहिए थ्री फेज में, ठीक है। आर वाई में 430, वाई बी में 430 40 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सिंगल फेज में चेक करेंगे। सिंगल फेज चेक करने के लिए आपको पहले न्यूट्रल आर में देखना है, ठीक है। तो आपको लगाना है न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल में लगाना है और आर में लगाना है। तो आपका वोल्टेज कितना आ रहा है 248 वोल्टेज आ रहा है 248, ठीक है। अभी न्यूट्रल वाई, अभी इसको मैं वाई में लगाएगा, ठीक है। वाई का वोल्टेज आपका कितना आ रहा है 246, ठीक है। अभी लेना है न्यूट्रल और बी, अभी न्यूट्रल और बी, न्यूट्रल और बी आपका कितना रेडिंग आ रहा है 244, ठीक है। फिर आपको अर्थ का चेक कराता हूँ, अर्थ न्यूट्रल आर वाई बी, ठीक है। हम अर्थ चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसमें जो पैनल है इसमें हम लोग अर्थ दिया है, ठीक है।
तो आपको इसको ये लगाना है, ये अर्ध मैंने लगा दिया। तो इसमें पहले आपको क्या करना है, न्यूट्रल में लेना है, ठीक है, न्यूट्रल में लेना है। तो आपका कितना वोल्टेज आ रहा है, 0.4 से 0.3, ठीक है। तो कितना आया था, 0.4, ठीक है। तो फिर आर लेना है, वाई लेना है, बी लेना है, ठीक है। फिर मैंने आर पे लगाया तो आपका वोल्टेज कितना आ रहा है, 200 248, ठीक है, 248 आ रहा है। तो 248 फिर लेना है वाई में, आर तो वाई, फिर वाई में लेना है। तो वाई में आपका कितना आ रहा है, 246, 246। फिर आपको लेना है ब्लू में, ब्लू में आपका कितना आ रहा है, 244। ये आपका रीडिंग, ठीक है, अर्थ का न्यूट्रल से अर्थ इतना रीडिंग आना चाहिए, ठीक है, ये आपका रीडिंग है। तो आप इसको स्क्रीन शॉट भी ले सकता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने टाइम साइड पे बेल घंटी आएगा उसको भी दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।